केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते दिल्ली की बड़ी खबर की ओर। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक शख्स ने अपने जीजा और उसके छोटे भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वास्तव में जीजा और उसका भाई उसे पीटने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान आरोपित ने अपने घर में रखे चाकू से उन दोनों पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए दोनों उसके घर से बाहर निकल गए, पर गुस्साए शख्स ने बीच सड़क पर अपने जीजा और उसके भाई पर तब तक चाकू से वार किया जब तक ये दोनों जमीन पर गिर नहीं गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी 27 वर्षीय उमंग को गिरफ्तार कर लिया। तो वही मृतक की पहचान राजेश, जो कि उमंग का जीजा है, और राजेश के छोटे भाई रंजन के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार उमंग महिपालपुर के ब्लॉक में रहता है तो और वेटर का काम करता है। बिहार में रहने वाली उसकी बहन की दूसरी शादी राजेश से हुई थी। राजेश दिल्ली में रहकर एक निजी कंपनी में काम करता था। मेरा नाम हीरा सिंह है। हीरा जी, आपके पड़ोस में क्या हुआ, क्या घटना घटी है? हमारे सुनने में यह है कि यहाँ पर किसी स्टाफ के लड़के, मतलब कोई लड़के ने अपने किसी रिश्तेदार का मदद कर दिया। कितने लोगों की हत्या हुई है? हमारे सुनने में तो दो लोगों की आई है। अच्छा, कितने बजे की करीब घटना थी ये? अच्छा, तो क्या वो स्टाफ के सारे लोग यही एक ही साथ होटल में ही काम करते थे? नहीं, इतना मैं नहीं जानता क्योंकि एक्चुअली मैं रात को ड्यूटी पे होता हूं। सुनी हुई बात है की घटना हुई और क्या पता चला आप लोगों को? सर, ये समथिंग आपके 11:30-12 बजे सर हमारी सुनाई में आई थी। हमारे नियर बाय वाले होटल के अंदर थोड़ा मर्डर केस हो गया था सर। तो हम भी डर गए थे सर, सारे लोग, भीड़ भड़का हो गया था यहाँ पर। तो इस वजह से सर कोई बाहर जा नहीं रहा था, पुलिस वगैरह आ गया था सारा, वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे दिल्ली पुलिस सर। सर हमारे को इतना ही पता। किस नाम से ये होटल है जहाँ पर ये हुआ? ये सर पार्क ऑफ एवलॉन होटल है। अच्छा, यहाँ की घटना है सर ये। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।